आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। तो देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग मीन्स होता है आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, किसी भी वस्तु को कितने तरीके से चार्ज किया जा सकता है। मेथड ऑफ चार्जिंग को दो भागों में एक्सप्लेन किया गया है। एक हो जाता है हमारा कॉन्टैक्ट मेथड, जिस बॉडी को चार्ज करना है उसको किसी चार्ज के सोर्स के कॉन्टैक्ट में लाना होता है, और दूसरा एक मेथड हो जाता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट। संपर्क विध से आवेशन, और दूसरा हमारा हो जाता है असंपर्क विध से आवेशन। संपर्क विध से आवेशन दो प्रकार से होता है। फर्स्ट मेथड हो जाता है हमारा बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा। दूसरा मेथड हमारा हो जाता है बाय कंडक्शन, चालन के द्वारा। तीसरा मेथड जो होता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट, जिस बॉडी को चार्ज करना है, जिस मटेरियल को, उसको किसी दूसरे बॉडी के कॉन्टैक्ट में बिना लाए हुए चार्ज कर दें, और इस मेथड को हम बोलते हैं बाय इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा आवेशन। बाय इंडक्शन इसको बोलते हैं, प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो फर्स्ट टाइप पे आते हैं अपने बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा किस प्रकार किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। घर्षण शब्द का मीन्स होता है रगड़। अब शब्द में ही छिपा हुआ है कि अगर किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु पर रगड़े, तो रगड़ने में होता क्या है कि जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं तो किसी एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरी वाली वस्तु में ट्रांसफर होने लगता है। अब चार्ज जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें ही बताया गया था कि अगर किसी वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंज होगा तो उस वस्तु पर आवेश उत्पन्न होगा। अब चाहे इलेक्ट्रॉन उससे निकले या इलेक्ट्रॉन उस कहीं से आए, तो रगड़ने में क्या होगा, सपोज दैट ये समझो डस्टर हो गया, ये हाथ हो गया। अच्छा, एक चीज इसमें और होता है कि फ्रिक्शन मेथड से इंसुलेटिंग मटेरियल को ही चार्ज किया जाता है। इंसुलेटिंग मटेरियल को ही चार्ज किया जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। मींस कुचालक पदार्थ जो होते हैं, अगर उन पर हमको आवेश देना है तो फ्रिक्शन मेथड से दिया जाता है, कुचालक पदार्थ पर। ये हाथ है, डस्टर हो गया, दोनों अभी अनचार्ज हैं, ये भी न्यूट्रल ये भी न्यूट्रल, इसको एक दूसरे पर रब करेंगे तो जिसका भी इलेक्ट्रॉन कंपेरेबल दोनों में अपने परमाणु से कम फोर्स से बंधा होगा वो दूसरे वाले में ट्रांसफर होने लगेगा। अब इमेजिन कर सकते हैं, मान लो कि इस डस्टर जो लकड़ी है इसका इलेक्ट्रॉन कम फोर्स से बंधा हुआ है, और इस हथेली में जो इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं वो ज़्यादा फोर्स से बंधे पड़े हैं। तो रगड़ने पे क्या हो रहा है कि डस्टर का इलेक्ट्रॉन हथेली में चला आ रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ को इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जिसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होगी। देखते हैं, ये हमारा एक ग्लास की रॉड हो गई, जिसको हमने चार्ज के बारे में जब बताया था तो उसमें भी एग्जाम्पल के तौर पर बताया था। ये हो गई ग्लास रॉड, कांच की छड़, और ये हो गया कोई रेशम का पीस। इसको एक दूसरे पर जब रब किया गया, रगड़ा गया दूसरे पे, तो क्या देखा गया कि कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन, कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पे चले गए। मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन गए। अब जब ये पहले न्यूट्रल था रगड़ने से पहले, और रगड़ने के बाद इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन में कमी आ गई, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, रगड़ने से पहले ये भी न्यूट्रल था, लेकिन जब रगड़ दिया गया कांच की छड़ से रेशम के कपड़े को, तो कांच की छड़ से 5 इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर आ गए।
अब इस पर चार्ज कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणावेशित होगा। तो हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये निगेटिवली चार्ज हो गया। लेकिन एक चीज़ ये देखा गया कि जितना चार्ज इस पर है उतना ही चार्ज इस पर है, ना तो कम ना तो ज़्यादा। तो घर्षण द्वारा आवेशन में हमको बस 3-4 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात कि ये मेथड किस प्रकार का होता है, संपर्क द्वारा। घर्षण द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना है, मीन्स हमको बॉडी को संपर्क में लाना है। दूसरा क्या करते हैं, घर्षण द्वारा आवेश उत्पन्न करने के लिए हम वस्तुओं को एक दूसरे पर रगड़ते हैं। तीसरा, किन वस्तुओं को रगड़ते हैं हम, केवल इंसुलेटिंग मटेरियल को ही घर्षण द्वारा आवेशित किया जाता है। कुछ कंडीशन जनरेट करके कंडक्टर को भी चार्ज किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल वे में अगर घर्षण बिस से आवेशित किया जाएगा तो इंसुलेटिंग मटेरियल को किया जाएगा। घर्षण बिस से जो आवेश उत्पन्न होता है दोनों वस्तुओं पर, क्योंकि बिना दो वस्तु के घर्षण संभव नहीं है, तो उन दोनों वस्तुओं पर आवेश जो होता है उनका परिमाण जो होता है वो समान होता है, ए और उनका नेचर अपोजिट होता है। मीन्स एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज। अगर एक पे +5 कूलाम का चार्ज आया तो दूसरे पर -5 कूलाम का चार्ज आएगा। तो ये हो जाता है हमारा घर्षण बिस्से। डिफिनेशन तौर भी सकते हैं कि जब किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु पर रगड़ने के पश्चात आवेश उत्पन्न होना ही घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। दूसरे प्रकार पर आते हैं हम, बाई कंडक्शन, बाई चालन के द्वारा। अब हमको पता है कि जो सुचालक वस्तुएं होती हैं, कंडक्टिंग मटेरियल होती हैं, उनमें चार्ज मूव कर सकता है, और जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसमें चार्ज मूव नहीं करता। इसके नाम में ही है कि हमको चालन द्वारा आवेशित करना है, इसका मतलब चालन द्वारा आवेश को मूव करा के हमको किसी बॉडी में तब चार्ज करना है। तो जाहिर सी बात है, मूव करा के चार्ज करना है तो उसके लिए हमको कंडक्टिंग मटेरियल लेना होगा। तो पहला इसमें क्या था, घर्षण द्वारा में इंसुलेटिंग मटेरियल को घर्षण विधि से चार्ज करते हैं, और कंडक्शन विधि से हम कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज करते हैं, सुचालक मटेरियल पदार्थ को, कंडक्टिंग मटेरियल को चालन द्वारा चार्ज किया जाता है। इसमें एग्जांपल हम देखते हैं। अब इसके लिए हमको सोर्स की जरूरत पड़ती है, सोर्स, और वो सोर्स चार्ज होना चाहिए, कोई चार्ज बॉडी होनी चाहिए, चार्ज बॉडी। अब जब चार्ज बॉडी होती है, किसी के पास आवेश होता है वस्तु के पास, तो उसके पास अपना खुद का पोटेंशियल भी होता है, जिसको हम बोलते हैं विभव। इसको आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, विभव और विभवांतर नाम सुना होगा। मीन्स अगर किसी बॉडी के पास चार्ज आ गया तो उसके पास अपना खुद का उसका वोल्टेज हो जाता है, अगर चार्ज नहीं है तो उसका वोल्टेज जीरो होता है। एग्जांपल समझते हैं इसके लिए, कंडक्शन मेथड से क्या होता है कि हमने एक ये कोई इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया और इस पर कोई चार्ज बॉडी रख दिया, ये पॉजिटिवली चार्ज है। मान लेते हैं कि पॉजिटिवली ये बॉडी चार्ज है। दूसरी कोई बॉडी है, अनचार्ज बॉडी, कंडक्टर है, उसको हमको चार्ज करना है, उसको भी हमने किसी अचालक स्टैंड पे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया। इसके पास चार्ज है तो इसके पास पोटेंशियल होगा, और इसके पास चार्ज नहीं है तो इसके पास पोटेंशियल जीरो होगा। तो जैसे समझो हमको कहीं पे पानी का फ्लो करवाना है, पानी बहाना है कि बहे पानी, तो उसके लिए क्या होता है कि जिस तरफ ज़्यादा ऊंचाई होगी और जिस तरफ ढाल होगा, तो पानी हमेशा ज़्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ बहता है। या दूसरा एग्जांपल समझते हैं, हीट, ऊष्मा तो जानते ही होंगे, तो ऊष्मा का प्रवाह जो हमेशा होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से कम टेम्परेचर की ओर, मतलब अलग अलग टेम्परेचर की अगर बॉडी को हम एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो हमेशा उष्मा ज़्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी से कम टेम्परेचर वाली बॉडी में ट्रांसफर होने लगता है। कब तक, जब तक कि दोनों का हीट सेम ना हो जाए। उसी तरीके से चार्ज का भी फ्लो होता है,
चार्ज फ्लो होने के लिए जो अपना बेस बनाता है वो पोटेंशियल को बनाता है, वोल्टेज को। चार्ज हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो होता है। तो किसी तरीके से अगर इस बॉडी को इस बॉडी के कांटेक्ट में ला दिया गया, इसके पास वोल्टेज है और इसके पास वोल्टेज नहीं है, तो दो बॉडी मिली, एक पास वोल्टेज है एक पास वोल्टेज नहीं है, तो तुरंत चार्ज क्या होगा, चार्ज को समझो बहने के लिए एक रास्ता मिल गया, खिड़की खुल गई समझो चार्ज को बहने के लिए। अब चार्ज क्या होगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करने लगेगा। कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो कॉन्टेक्ट मिलाने के बाद क्या होगा कि इसमें से चार्ज ट्रांसफर होने लगेगा इस बॉडी पे। कब तक, मान लेते हैं ट्रांसफर होने के बाद कुछ चार्ज इसमें से गया तो इसका पोटेंशियल जो बी था वो हो गया आपका बी डैश, और ट्रांसफर हुए चार्ज की वजह से इसका भी पोटेंशियल कुछ समय बाद पहुंच गया बी डैश। अब दोनों का पोटेंशियल हो गया सेम, अब चार्ज का ट्रांसफर जाएगा रुक। फिर क्या करेंगे, इस बॉडी को अलग कर लेंगे। पहले क्या देखा था, ये बॉडी चार्ज थी ये बॉडी अनचार्ज थी। कॉन्टेक्ट मिलाने के बाद क्या हुआ, गया कि जिसके पास चार्ज था जिस बॉडी के पास, उसने जिसके पास चार्ज नहीं था अनचार्ज बॉडी को आवेश दे दिया। और उसके बाद जब दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया तो जो अनचार्ज बॉडी थी वो भी हमारी कैसी हो गई, चार्ज हो गई। तो इस तरीके से चालन विद से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है। हमको ये ध्यान रखना है कि चालन विद भी एक संपर्क विद होती है आवेशन की। कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज किया जाता है ताकि आवेश जो हो उसमें मूव कर सके। दूसरा, जिस बॉडी को चार्ज करना होता है उसको किसी चार्ज बॉडी के संपर्क में लाया जाता है। मीन्स हमारे पास पहले से कोई चार्ज का सोर्स होना चाहिए, और उस सोर्स से जब अनचार्ज बॉडी को कनेक्ट करेंगे तब अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाएगी। तीसरे विधि पे आते हैं अपना, जो हमारा इंडक्शन के द्वारा होता है, बाय इंडक्शन प्रेरण के द्वारा आवेशन। ये असंपर्क विध से किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि होती है। असंपर्क मतलब क्या कि जिस बॉडी को चार्ज करना है उसको हमको सोर्स के कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं होती। इसके लिए भी एक चार्ज बॉडी का होना जरूरी होता है, एक चार्ज बॉडी। ये मान लेते हैं हमारी हो गई एक चार्ज बॉडी, किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, प्लस 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 चार्ज बॉडी हो गई। एक दूसरी कंडक्टर प्लेट लाके रखे यहाँ पे। अब होता क्या है, इसके पास प्लस चार्ज है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास चार्ज ही नहीं है। न्यूट्रल होने का मतलब ये होता है कि चार्ज नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि जितना उसके पास पॉजिटिव चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज है। तो हमको पता है कि जितना नॉर्मल, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। मीन्स इसके पास प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन फर्क क्या है कि प्लस और माइनस सेम है, इसलिए इसको न्यूट्रल बोला गया। क्या होता है कि जब ये कंडक्टर होता है ये भी कंडक्टर होता है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पॉजिटिव चार्ज से रिपल करेगा, मतलब ये उसको प्रतिकर्षित करने की कोशिश करेगा, और जो इसका निगेटिव चार्ज है वो उस प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा। तो ये क्या होगा कि ये प्लस इसके पूरे माइनस को इस तरफ कर लेगा, जितना माइनस था इसके पास, और इसका जितना प्लस था इसका, ये इस प्लस के रिपल्सन की वजह से यहाँ चला जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो अनचार्ज बॉडी होती है, अनचार्ज बॉडी को हम भू संपर्कित करते हैं। क्या करते हैं, भू संपर्कित मींस अर्थिंग। अर्थिंग मतलब इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अब अर्थ का पोटेंशियल जो होता है जीरो होता है, और इसके पास इस सिरे पर देखो पोटेंशियल है, इस सिरे पर भी पोटेंशियल है। तो तुरंत हम बताए थे कि जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा से कम कनेक्ट हुआ तुरंत वहाँ पे आवेश का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, मतलब आवेश यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने लगेगा। यहाँ से आवेश चला गया जमीन में और ये प्लस चला गया, इसका हो गया ख़त्म। अब बात आती है कि माइनस क्यों नहीं जाता, तो यहाँ जैसा कि दिखाया गया प्लस, प्लस किसको बांध के रखेगा, माइनस को, प्लस को रिपल करेगा तो प्लस दूर चला जाएगा, लेकिन माइनस ये बांध के रखा हुआ है, ये जमीन उसे ले नहीं पाता। फिर क्या करते हैं, उसके बाद
अर्थ करने के बाद यहाँ देखेंगे पॉजिटिव चार्ज चला गया सारा का सारा, यहाँ केवल निगेटिव बचा हुआ है। अगले स्टेप में क्या करते हैं कि अर्थिंग को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, अर्थिंग को ख़त्म कर दिया, और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इस बॉडी पे केवल और केवल जो निगेटिव चार्ज था वो पूरे बॉडी में एक समान रूप से कंटिन्यूस रूप से फैल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि पहले इसके पास कोई चार्ज नहीं था और पूरा प्रोसेस करने के बाद इसके पास निगेटिव चार्ज हो गया तो ये बॉडी चार्ज हो गई। इस विधि को बोलते हैं प्रेरणा द्वारा आवेशन। धन्यवाद।